IPL 2024 आज हम बात करेंगे कि IPL नीलामी जो हुई है, ऑक्शन जो हुआ है, उसके बाद में कौन सी टीम हुई है सबसे मजबूत और कौन कमजोर, जितने भी स्क्वाड्स है IPL के उनके बारे में हम बात करते हैं। सभी 10 टीमों ने 72 खिलाड़ियों पर 230 करोड़ और 45 लाख खर्च रुपए किए हैं। इस बार ऑक्शन में चेन्नई ने 6, दिल्ली ने 9, गुजरात ने 8, कोलकाता ने 10, लखनऊ ने 6, मुंबई ने 8, पंजाब ने 8, राजस्थान ने 5, बेंगलोर ने 6 और हैदराबाद ने 6 खिलाड़ियों को खरीदा है। IPL मिनी ऑक्शन में 8 टीमों ने अपने 25-25 खिलाड़ियों का कोटा पूरा कर लिया है, लेकिन कोलकाता की टीम में सिर्फ 23 और राजस्थान की टीम में 22 ही प्लेयर है। मगर इसी बीच सभी फैंस के मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर नीलामी के बाद कौन सी टीम मजबूत हुई है, कौन सी कमजोर रही है। इसका जवाब के लिए आइए देखते हैं जितनी भी 10 स्क्वाड्स उनकी बात करते हैं गाइस। रहा नहीं जाता। चलिए चेन्नई की बात करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है ही गाइस। ऑक्शन में क्या खरीदा है उन्होंने? रचिन रविंद्र 1,80,00,000 में, शार्दुल ठाकुर 4 करोड़ में, डेरिल मिचेल 14 करोड़, समीर रिजवी 8,40,00,000, मुसविर रहमान 2 करोड़ और अवनीश राव अरेली 20 लाख रुपए में गाइस। तो ये चेन्नई का था। चलिए गाइस बात करते हैं हार्दिक की कप्तानी में उतरेगी मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में कौन से खिलाड़ी खरीदे हैं? गैराल कोर्टजी गाइस 5 करोड़ में काफी सस्ता मिल गया, दिलशान मधुशंका 4 करोड़ 60 लाख, श्रेयस गोपाल 20 लाख, नुवान तुषारा 4 करोड़ 80 लाख, नमन धीर 20 लाख, अंशुल कंबोज 20 लाख, मोहम्मद नबी 1.5 करोड़ और शिवालिक शर्मा 20 लाख रुपए में उन्हें मिल गए गाइस। अब बात करते हैं गाइस तीसरी टीम की, तो दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। तो ऑक्शन में क्या खरीदे? हैरी ब्रुक 4 करोड़ में काफी सस्ते मिले, ट्रिस्टन स्टॉप 50 लाख रुपए, रिकी बुई 20 लाख, कुमार कुशाग 7 करोड़ 20 लाख रुपए, तो ये एक अनकैप प्लेयर है गाइस। रशिक दर सलाम 20 लाख, जोई रिचर्डसन 5 करोड़ गाइस, सुमित कुमार 1 करोड़, शाही हो 75 लाख और स्वास्तिक चिंकारा 20 लाख रुपए में मिल गए गाइस। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट टीम की, सनराइजर हैदराबाद ने कौन से प्लेयर्स को खरीदा है? सनराइजर हैदराबाद ने पैट कमिंस पर लुटाए बहुत ज्यादा पैसे गाइस। पैट कमिंस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया अभी तक के आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर भी है गाइस। ऑक्शन में खरीदे ट्रेविस हेड, जिन्होंने वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे गाइस, 6,80,00,000 में, वेंदु हसरंगा 1.5 करोड़, बहुत सस्ते मिल गए। सनराइजर्स ने पैट कमिंग 20 करोड़ 5 लाख में खरीदे गाइस, क्योंकि उन्हें नया कैप्टन बनाएंगे। जयदेव उनाडकर 50 लाख रुपए में बिके, जो कि एक जमाने में 10 करोड़ से ऊपर बिके थे। आकाश महाराज सिंह 20 लाख रुपए और बिके। चलो गाइस अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस ने स्पेसर्स पर बहुत बड़ा दाव लगाया। तो गुजरात टाइटंस ने कौन से प्लेयर्स खरीदे हैं ऑक्शन में, चलिए उनकी बात करते हैं गाइस। अजमतुल्ला उमरजाई 50 लाख रुपए, उमेश यादव 5 करोड़ 80 लाख रुपए, शाहरुख खान 7 करोड़ 40 लाख रुपए, सुशांत मिश्रा 2 करोड़ 20 लाख, कार्तिक त्यागी 60 लाख, मानव सुथार 20 लाख, अनकैप प्लेयर है ये स्पेसर जॉनसन गाइस। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है आईपीएल ऑक्शन में, किसी ने नहीं सोचा था कि इतने महंगे बिकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, बॉलर है स्पेंसर जॉनसन, 10 करोड़ में बिके और रॉबिन मिस 3 करोड़ 60 लाख रुपए में बिके गाइस। अब बात करते हैं गाइस लखनऊ सुपर जायंट्स ने कौन से नए प्लेयर्स खरीदे ऑक्शन में। लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदे हैं 6 प्लेयर्स, शिवम मावी 6 करोड़ 40 लाख, पर ये ज्यादा चोटिल रहते हैं गाइस, आईपीएल में खेली नहीं पाते, इन पे बहुत ज्यादा दाव लगाया है लखनऊ ने। अश्विन कुलकर्णी 20 लाख रुपए, मनीमरन सिद्धार्थ 2 करोड़ 40 लाख, एशन टर्नर 1 करोड़ ऑस्ट्रेलिया के हैं, डेविड विली जो संन्यास की घोषणा कर चुके हैं इंग्लैंड के, वो 2 करोड़ में बिके हैं और मोहम्मद अरशद खान अनकैप प्लेयर 20 लाख रुपए में गाइस। चलिए गाइस अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, राजस्थान रॉयल्स ने किन नए प्लेयर्स को खरीदा है गाइस। राजस्थान रॉयल्स ने गाइस IPL की शुरुआत की ऑक्शन में पहला खिलाड़ी ही राजस्थान रॉयल ने खरीदा है गाइस, रोमिन पावल 7 करोड़ 40 लाख में, फिर शुभम दुबे जो कि अनकैप प्लेयर है 5 करोड़ 80 लाख, टॉम कोलर कैडमोर गाइस 40 लाख रुपए में, इंग्लैंड के प्लेयर है बहुत अच्छा खेलते हैं। नेक्स्ट है आबिश मुश्ताक 20 लाख रुपए, निंदे बर्गर जिन्होंने अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज चल रही है और T20 जिसमें अच्छा परफॉर्म किया उन्हें 50 लाख रुपए में खरीदा है। चलिए गाइस नेक्स्ट टीम की बात करते हैं, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने गाइस सबसे बड़ी बोली लगा के खरीदा है मिचेल स्टार को, जो कि 8 साल बाद IPL में वापसी की है, 24 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है गाइस। ऑक्शन में क्या क्या खरीदे हैं? केएस भरत 50 लाख, चेतन सकरिया 50 लाख, अंग्रश रघुवंशी 20 लाख रुपए, शीकर भरत 50 लाख, रमन दीप सिंह 20 लाख, शरण रदरफोर्ड 1.5 करोड़, मनीष पांडे 50 लाख, मुजीबुर रहमान 2 करोड़ रुपए, गैस एटिक्सन जो कि इंग्लैंड के बॉलर है 1 करोड़ और शाकिब हुसैन 20 लाख जो कि अनकैप प्लेयर है गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट रॉयल चैलेंजर बैंगलोर टीम, अल्जारी जोसफ 11 करोड़ 50 लाख में गाइस, बहुत महंगे लिए अल्जारी जोसफ, अच्छे बॉलर है बट रन भी बहुत लुटाते हैं। यश दयाल 5 करोड़ में, गुजरात में खेला करते थे पहले, टॉम करन इंग्लैंड के ही प्लेयर है 1.5 करोड़, सैम करन के बड़े भाई, लॉकी फर्गुसन अच्छे बॉलर है न्यूजीलैंड के 2 करोड़, स्वप्निल शाह अनकैप प्लेयर 20 लाख रुपए और सौरभ चौहान 20 लाख में खरीदेगा। पंजाब किंग्स ने भी गाइस कौन से खिलाड़ी खरीदे? 8 खिलाड़ी खरीदे गाइस ने पंजाब ने, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। हर्षल पटेल खरीदा है गाइस सबसे महंगे जो पंजाब ने लिए हैं 11 करोड़ 75 लाख में, जो कि पहले खेलते थे आरसीबी के लिए। क्रिस बॉक्स गाइस इंग्लैंड के प्लेयर है ऑलराउंडर, 4 करोड़ 20 लाख में, बहुत अच्छी इन्हें डील मिल गई। आशुतोष शर्मा 20 लाख, विश्वनाथ प्रताप सिंह अनकैप प्लेयर 20 लाख, शशांक चौधरी 20 लाख, तन्ने त्यागराजन 20 लाख, प्रिंस चौधरी 20 लाख और राइली रूसो गाइस ये बहुत इन्होंने महंगे खरीदे, यह 8 करोड़ रुपए में गाइस। गाइस ये हमने आपको 10 के 10 टीम जिन्होंने नए प्लेयर्स खरीदे हैं ऑक्शन में उनकी आपको लिस्ट बता दिए गाइस। आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा प्लेयर ओवर प्राइस लगा, अंडर प्राइस लगा और कौन सा बेस्ट डील लगा, कौन सी टीम आपको लग रही है कि मजबूत हुई है और कौन सी टीम आपको कमजोर लग रही है। तो गाइस हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, स्पोर्ट्स की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए गाइस। थैंक यू गाइस, जय श्री राम।